हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स टुडे सिक्स ऑफ सितंबर 2022, ट्यूसडे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर इफ़ यू वांट लेक्चर पी यू कैन ज्वाइन मी योर टेलीग्राम चैनल इफ़ यू लाइक दै इनिशिएटिव, यू कैन फॉलो मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो लेट स्टार्ट विथ टूडेज मोटिवेशन ऑफ द डे इज बिकमिंग इज बेटर दैन बी आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है और इसी आर्टिकल के साथ हम पेज नंबर चार और छः पर दिए हुए भी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे और ये तीनों ही न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल वर्किंग ऑन रोड मैप टू एडवांस्ड इकोनॉमी सेज एफ जिस तरह से इस टाइम अलग अलग इकोनॉमीज चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो चाहे वो डेवलप इकोनॉमी हो जिस तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशनरी कंडीशंस फेस कर रही हैं उसको देखते हुए इंडिया में भी एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन आ रही है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री है दे में डन अवे विद ग्रोथ पैकेजेस स्टिमुलस पैकेजेस तो उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मंडे को बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगी ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो जितने भी नेसेसरी स्टिमुलस पैकेजेस हैं या जो भी मेजर्स हैं ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम लेते रहेंगे जैसे कि इकॉनमी का जो ग्रोथ मोमेंटम है फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स क्या ग्रोथ मोमेंटम है क्या टारगेट है कि इंडिया को एडवांस्ड इकोनॉमी बनाना या डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना तो वो टारगेट अचीव करने के लिए जितने भी पैकेजेस हैं स्टिमुलस हैं जो भी मेजर्स हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लेते रहेंगे इट मीन्स इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन पर फोकस करने के साथ साथ ग्रोथ पर भी फोकस होगा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्योंकि जो आने वाले 25 साल हैं ये इंडियन इकॉनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं अगर गवर्नमेंट एडवांस इकॉनॉमी और डेवलप इकॉनॉमी का टैग अचीव करना चाहती है या इंडियन इकॉनॉमी एडवांस इकोनॉमी की लिस्ट में आना चाहती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ को भी कंसीडर करना होगा इन्फ्लेशन तो एक प्राइमरी टारगेट है ही आरबीआई का लेकिन जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो ग्रोथ होना चाहिए जो जिस तरह से अलग इकोनॉमीज़ में डेवलप इकोनॉमीज़ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज स्टिमुलस लाए गए थे अब उनको विड किया जा रहा है तो सेंट्रल बैंक एंड दे आर गोइंग फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटिंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि स्टिमुलस के साथ साथ हम इन्फ्लेशन पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी क्योंकि आगे पच्चीस सालों के लिए जो टारगेट सेट किया गया है उसको अचीव करने के लिए उसको टाइमली मैनर में श करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी जीडीपी पर भी फोकस करना जरूरी है एन एफ यू रिमेम्बर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अगस्त पंद्रह में पंद्रह अगस्त को अपने जो इंडियन सिटीजन उनको ये टारगेट बताया था या डिस्क्लोज किया था कि दो तक इंडिया जो है वो डेवलप नेशंस की कैटेगरी में आने का एम्बिशन रखता है तो उसी को देखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी सेम बात को रीट्रीट किया इसके अलावा फ्री बीस कल्चर को क्रिटिसाइज़ भी किया है फ्री बीस कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट और आर्ग्यूमेंट और और इस समय इकॉनमी में चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गया है फ्री और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को लेकर के इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग सेंसिटिविटी इन सारे इश्यूज़ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल डिस्कशन किया सो दिस इज द प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग दिस डिस्कशन जहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने विंडफॉल टैक्स को सपोर्ट करते हुए बताया कि अभी फिलहाल के लिए इकोनॉमी की जो सिचुएशन चल रही है जिस तरीके से पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर ग्रो कर रहा है जिस तरीके से पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर में जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही हैं उसको देखते हुए जो विंड फॉल टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने दैट इज़ कंप्लीटली रैशनल एंड एज पर द नीड ऑफ आर तो ऐसे जो लोग जो विंड फॉल टैक्स को अभी फ़िलहाल के लिए अनफेयर बोल रहे हैं दे शुड नॉट कॉल इट अनफेयर इट इज़ एन एडॉक टैक्स ऐसा नहीं है कि परमानेंट टैक्स है और अभी की सिचुएशन को देखते हुए इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करते हुए ही ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया है एनर्जी सेक्टर में इसी के साथ दो और न्यूज जो हमने कहा था कवर करेंगे देख लेते हैं पेज नंबर चार पर एक न्यूज ये हुई है आर बी आई इज एंकरिंग एक्सपेक्टेशन ऑन रूपी वीकनेस दास तो पहला जो हमारी न्यूज थी वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू रहे एक इवेंट में उन्होंने डिस्क्लोज किया इस न्यूज में जो मिस्टर दास हैं आर के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है करेंसी मार्केट को लेकर के इस न्यूज़ को कवर किया गया है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमने देखा रिसें है रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस भी लिए हैं फॉरन एक्सचेंज मार्केट में इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डाप्रिशिएटिंग इंडियन रूपी और उन्हीं इंटरवेंशंस को लेकर के मिस्टर दास ने कहा है कि फ़िलहाल के लिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एक पर्पज़ है कि जो एक्सेसिव वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है इंडियन रूपी का उसको कंट्रोल करना इसके अलावा डेप इन करेंसी में या इंडियन रुपये में डेप्रिसिएशन की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी एंकर करना उनको भी टैकल करना क्योंकि जब भी करेंसी भी डेप्रिशिएट करती है तो कुछ सेक्टर या कुछ सेगमेंट्स को फायदा होता है कुछ सेगमेंट्स या कुछ सेक्टर को लॉस होता है अगर मोर ब्रॉडली uh, मैं बोलूँ तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है लेकिन जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनको लॉस होता है हालांकि कुछ एडवांटेजेस भी हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के बट इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी इंडिया इज अ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारा जो ज़्यादा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है तो हमारे लिए करेंसी डेप्रिश मोर लार्ज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता जबकि चाइना की अगर हम बात करें चाइना इज़ अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी तो चाइना की अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है या चाइना इंटेंशनली करेंसी डिवेलुएशन करता है तो उस केस में चाइना के लिए वो करेंसी डिवेलुएशन डेप्रिसिएशन प्रॉफिटेबल होता है हालांकि अभी इस डिस्कशन पर नहीं जाते हैं तो आर बी के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास उन्होंने कहा है कि आर के जो इंटरवेंशन रहे हैं करेंसी मार्केट में वो एक्सेसिव लाइडलिटी को प्रिवेंट करने के लिए और डोमेस्टिक करेंसी के अराउंड जो डेप्रिसिएशन में जो एक्सपेक्टेशन हैं उसको टैकल करने के लिए हैं और अभी अगर एज ऑफ नाउ अगर आर की बात करी जाए तो आर ऑलमोस्ट मार्केट में डे टू डे बेसिस पर अपने इंटरवेंशन कर रहा है ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से टू बेसिक प्रिंसिपल जैसा कि वन टू प्रीवेंट द एक्सेसिवलिटी इन द इंडियन रुपी एक्सेसिव को टैकल करना बहुत ज्यादा इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट ना कर जाए इसके अलावा द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो बिल्ड अराउंड द थीम ऑफ एंकरिंग एक्सपेक्टेशन अराउंडियेशन ऑफ रुपी और आर बी आई के गवर्नर के ये कमेंट कब आए हैं जब इंडियन रूपी एटी पॉइंट वन थ्री पर यू का जो मार्क है वो क्रॉस कर चुका है तो कैसे डेप्रीशिएटिंग इंडियन रुपी को एक प्रॉफिटेबल एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट किया जाए इसके अलावा एक्सेसिव डेप्रिसिएशन को भी रोका जाए इन दो टारगेट पर आरबीआई काम कर रही है पिछले कुछ मंथ से और आगे आने वाले टाइम में भी और इसके अलावा जो कंट्री का जो रिज़र्व है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर भी डिस्कशन करते हुए जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 573 बिलियन का रिजर्व अभी फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व कंट्री के पास है आरबीआई के पास है जो अप्रॉक्सीमेटली नाइन मंथ्स के इंपोर्ट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है क्योंकि कर बार बार आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी डिप्लीट कर रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना था कि इस तरीके से अगर आर बी फॉरन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करती रही तो बहुत जल्द ही जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का जो बफर है वो डिप्लीट हो जाएगा लेकिन इसको भी साइडलाइन करते हुए हमारे जो आर बी आई के गवर्नर उन्होंने बोला कि फिलहाल के लिए नाइन पॉइंट फोर मंथ्स के इम्पोर्ट कवर को इम्पोर्ट को कवर करने के लिए इंडिया के पास सफिशेंट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अब इसी के साथ एक और न्यूजी हो जो कि इंडिया में इकॉनमी एक्टिविटी मोर स्पेसिफिकली सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं ये तो बात रही हमारे आर बी आई और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या इकॉनॉमी के बारे में सोचते हैं और क्या आगे का पाथ है अभी करंट अगर सिचुएशन की बात करें तो इंडियन इकानमी किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडियन इकोनॉमी में परफॉर्म हो रही उसको लेकर के ये न्यूज़ है न्यूज़ देख लेते हैं सर्विसेज पी एम जॉब क्रिएशन एट 40 ईयर हाई पैंडमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था कंपनी ने रिट्रेंचमेंट ले ऑफ किया था जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहा था इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम उस समय फेस होती है उस समय लेबर मार्केट बहुत डोलड्रम सिचुएशन में थी बट चूंकि अब पैंडेमिक जो है वो धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है तो जो रिस्ट्रिक्शन से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो लेबर मार्केट इंपैक्ट कर रही थी वो थोड़ा सा रिकवर करना शुरू हो चुकी है इसके अलावा जो टच इंटेंसिव सेक्टर है मोर स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो चाहे वो टूरिज्म हो चाहे वो इंटरटेनमेंट हो वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे लेकिन चूँकि पैंडमिक है वो अब सबसाइड हो रहा है रिस्ट्रिक्शन जो हैं ईज़ आउट हो रहे हैं तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम हो रही है इंडिविजुअल्स आर नाउ गोइंग फॉर टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी इंटरटेनमेंट जिसकी वजह इस इंडस्ट्री में भी रिकवरी शुरू हो चुकी है और एज पर दंथ अगर ऑगस्ट का मैन्यूफेक्टर दोनों पब्लिश होता है पचास से ऊपर का मार्ग जो होता है वो एक्सपेंशन इंडिकेट करता है पचास से नीचे का मार्ग कॉन्ट्रेक्शन इंडिकेट करता है और ऑगस्ट में अगर हम देखें तो सर्विस पीएमआई है वो फिफ्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट तक पहुंच गया है अपटर्न इन बिजनेस एक्टिविटीज तो जो सर्विस सेक्टर में नए ऑर्डर्स और अपटर्न इन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जो सर्विस पीएमआई है वो सत्तावन दशमलव दो तक पहुंच गया है तो सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि जुलाई में पचपन दशमलव पांच फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव था जुलाई के मंथ में अगस्त में ये इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी सेवन पॉइंट टू और तक पहुंच गया है तो दोनों ही पचास से ऊपर हैं और जुलाई के मंथ में या प्रीवियस मंथ के कंपेरिजन में इस मंथ में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है तो सर्विस एक्टिविटीज़ जो है वो अब एक्सपेंड कर रही हैं और इसी के साथ साथ अगर हम देखें जॉब क्रिएशन भी बढ़ रहा है एज एन एस एन पी ये मार्केट का डेटा नहीं है ये ग्लोबल डेटा है एस एन पी स्टैंडर्ड एंड प्रूवर ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमीज के लिए ये पी एम आई पब्लिश करता है तो एज एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर डिमांड बढ़ रही है नए वर्क ऑर्डर बढ़ रहे हैं जॉब क्रिएशन हो रहा है ओवर टाइम बढ़ रहा है जिसकी वजह से सर्विस पी एम आई इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और अगर इंडिया की बात करें तो चौदह साल के सबसे हाइएस्ट पॉइंट पर जॉब क्रिएशन पहुंच गया है एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर तो ये बात रही इंडियन इकोनॉमी की अब देख लेते हैं न्यूज़ की आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड गोल्ड क्लॉक्ट एस प्लेटिनम फॉर ड्यूटी गेंस इस न्यूज में गोल्ड को लेकर के जो ड्यूटीज हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के जो लॉज हैं उसकी एम्बिगिटी को डिस्कस किया गया है बेसिकली इस न्यूज में कहा गया है कि जो गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के इंडिया में गोल्ड इज हार्ड कोई भी सेगमेंट हो सबको गोल्ड परचेज uh, करना डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत ही प्रेफरेबल कमोडिटी है इंडिया अगर हम बोले मेटल है इंडिया के केस में गोल्ड तो गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर के जो इंडिया में लॉ हैं वो एम्बिगुअस हैं बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस मीन्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं है गोल्ड के इम्पोर्ट्स को लेकर के और इसी एम्बिगुटी की वजह से इसी ओपेक्नेस की वजह से कुछ जो बिलियन इम्पोर्टर्स हैं वॉट आर द बिलियन इम्पोर्टर्स ऐसे जो बेसिकली मेटल्स कॉस्टली मेटल्स को इम्पोर्ट करते हैं तो अगर हम बोलें बुलियन मेटल्स हैं जो बुलियन इम्पोर्टर्स हैं दे आर मेकिंग हीज प्रॉफिट्स और बिग प्रॉफिट उसका रीज़न कोई ट्रेडिंग uh, नहीं कोई एफिशिएंसी नहीं कोई मार्केट कंडीशन uh, नहीं इंडियन जो गोल्ड इम्पोर्ट को लेकर के जो इंडियन लॉज हैं उसमें जो एम्बिग्विटी है उस एम्बिग्विटी का फ़ायदा बड़े बड़े जो इम्पोर्टर्स हैं वो उठा रहे हैं कैसे कुछ तो इवन ऐसा भी कर रहे हैं कि रिफाइंड गोल्ड के नाम पर प्लेटिनम एलॉय का नाम यूज़ करें इट मीन्स दे आर इम्पोर्टिंग द रिफाइन हाई रिफाइंड गोल्ड बट उसको टर्म दे रहे हैं प्लेटिनम एलॉय का क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में पंद्रह परसेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी फिलहाल के लिए लगती है एज ऑफ नाउ अगर प्लेटिनम एलॉय की बात करें तो उसमें केवल केवल दस दशमलव सात पाँच परसेंट की ड्यूटी लग रही है और ये क्लियर मिस डिस्कलेशन और ड्यूटी वॉलेशन का केस है एज पर द इंडस्ट्री लेकिन इसके बावजूद भी जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह के कंसाइनमेंट्स को क्लियर कर रही हैं अगर पास्ट टू वीक्स में देखा जाए तो, दे तो इस तरह के कंसाइनमेंट जहाँ पर जो एक्चुअली में गोल्ड है बट उसको जो नाम दिया गया दैट इज़ प्लैटिनम अलॉय तो इस तरह के कंसाइनमेंट को क्लियर भी किया जा रहा है क्यों सिंस द लीगल सीमेंटिक इन द नोटिफिकेशन हैव नॉट क्लियरली डिफाइंड अ लॉय ऑफ पीशस मैटर्स टू प्रिवेंट द मिसयूज तो जो नोटिफिकेशन है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर के वहाँ पर अलॉयस को जो प्रीशियस मेटल के अलॉयज़ हैं उनको क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया जिसकी वजह से जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा लीगल क्लैरिटी नहीं है लीगल सिमेंटिक्स नहीं है या हम बोले ऑप्शन नहीं है इस तरह के कंसाइनमेंट्स को रोकने का हालाँकि अमेनमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है अथॉरिटीज़ ने इस पर्टिकुलर लू पोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो जो नोटिफिकेशन है उसमें अमेडमेंट स्टार्ट हो चुका है एंड द कस्टम ड्यूटी रिसेंटली क्लियर सम कंसाइनमेंट्स हालाँकि जो इम्पोर्टर्स हैं कुछ इम्पोर्टर्स जो हैं वो वो इस लूप पोल्स का फायदा उठा चुके हैं उन्होंने प्लेटिनम एलॉय का नाम दे करके गोल्ड को इम्पोर्ट किया है गोल्ड पर पंद्रह परसेंट की ड्यूटी प्लेटिनम एलॉय पर टेन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट की ड्यूटी लगती है तो कुछ इम्पोर्टर्स जो हैं उन्होंने फिलहाल के लिए अभी इस लू पोल से इस एम्बीगुअस ला से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है और कुछ इम्पोर्टर्स जो कि रिफाइंड गोल्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं इन द गाइज ऑफ प्लेटिनम ऑयल आर दे आर मेकिंग द बुलियन बार्स बार्स बना करके तो एंड दे डिक्लेयर द गुड्स एज प्लेटिनम रॉड बुलियस बार्स हैं गोल्ड के बार्स हैं लेकिन उन्हें क्या डिक्लेयर किया जा रहा है प्लेटिनम की डॉट जिसमें केवल चार परसेंट का प्लाटिनम है और नाइन्टी सिक्स परसेंट गोल्ड कंटेंट है तो इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो इम्पोर्टर्स बुलियन इम्पोर्टर्स यूज़ कर रहे हैं कि बना रहे हैं गोल्ड के बार्स जिसमें चार परसेंट केवल प्लाटिनम है लेकिन उसको डिक्लेयर क्या कर रहे हैं प्लाटिनम बार्स जिसकी वजह से इम्पोर्ट ड्यूटी कम लग रही है जबकि गोल्ड पर अगर लगाया जाए तो टोटल फिफ्टीन परसेंट ड्यूटी लगती है तो दिस तो डिजगाइज तो 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 अनएम्बिगुअस नोटिफिकेशन और लॉस की वजह से कुछ जो इम्पोर्टर्स हैं वो इलीगल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसके अलावा गोल्ड से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि सेम पेज पर ही दी हुई है उसको भी हम कवर कर लेते हैं इंटेंस कॉम्पिटिशन मे हिट गोल्ड लोन्स फ्रॉम एस एन पी सो रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने मंडे को इंडिया की जो गोल्ड लोन बिजनेस है या गोल्ड लोन जो मार्केट है उसके बारे में कुछ प्रोजेक्शन किए हैं एस एन पी के अकॉर्डिंग देर इज़ अ इंटेंस कॉम्पिटिशन इन गोल्ड लोन बिजनेस इन इंडिया और ये इंटेंस कंपटीशन आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको श्रिंक कर देगा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ का नाम बताइए ऐसी कंपनीज जो कि गोल्ड के बदले में गोल्ड के एक्सचेंज में लोन देती हैं फाइनेंस देती हैं आपने कई बार टेलीविजन पर एड भी देखा हो आप मुझे नाम लिख करके बता सकते हैं तो उसी को लेकर के प्रोजेक्शन किया एस एन पी ने एस एन पी ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम में जो गोल्ड लोन फॉर्म्स हैं गोल्ड लोन सेक्टर है स्पेस है, है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा और इस कॉम्पिटन की वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है फाइनेंस फॉर्म का वो डिक्रीज होगा प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होगा भी इम्पैक्ट करेंगी तो फिलहाल के लिए प्रोजेक्शन है एस एन पी का और इसी के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं दे मे प्रियर स्ट्राटेजी अब देख लेते हैं आर्टिकल पेज नंबरेंट जीएसटी ऑन स्पोर्ट्स बैटिंग कसिनोस एंड हॉर्स रेसिंग स्पोर्ट्स बैटिंग कसिनो हॉर्स रेसिंग गैम्बलिंग इस तरह के गेम्स को लेकर के जी के बारे में हमने कई बार न्यूज़ कवर करी है लास्ट टाइम में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्पोर्ट्स बेटिंग कसिनो गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग ये जो सर्विसेज थी या ये जो गेम्स थे इन पर जीएसटी लगाने के लिए एक स्पेशल पैनल या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म किया गया था हालांकि उस पर्टिकुलर मीटिंग में लास्ट जी काउंसिल में उस पर डिसीजन नहीं हो पाया था इसके बाद से गवर्नमेंट ने या जी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को फिर से ये टास्क दिया था कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कसिनोज हैं हॉर्स रेसिंग हैं इन पर कितना जीएसटी लगाया जाना चाहिए और इसके क्या लीगल ऑप्शंस होंगे क्या लीगल हर्डल्स होते हैं इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को फिर से बोला था या बोल सकते हैं उनको टास्क किया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को या काउंसिल ने कि ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर रिकमेंड करे कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कैसीनो हैं हॉर्स रूडिंग जो जितने भी इस तरह के गेमिंग गेम्स हैं ऑनलाइन गेम्स हैं या ऑफलाइन गेम्स हैं जो भी बैटिंग के जो गेम्स हैं हॉर्स रेसिंग के गेम्स हैं इस तरह के सर्विसेज पर इन तरह के गेम्स पर कितना जीएसटी लगाया जाए हालांकि अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि इसको लेकर के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने लास्ट टाइम रिकमेंडेशन दी थी उसमें कुछ वेरिएशन भी था कुछ क्या कहना था कि अठारह कुछ क्या कहना था ट्वेंटी कुछ क्या कहना था ट्वेंटी प्लस सेस इसके अलावा वैल्यू को लेकर है कि जितना गेम खेला जा रहा है उसकी वैल्यू या नंबर्स किस या ट्रांजेक्शन्स पर किस पर जी अट्रैक्ट किया जाए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से बोला गया था कि वो दोबारा से अपनी रिकमेंडेशन दें इन सारे थ्री इंटरटेनमेंट सेक्टर्स पर तो फाइनल रिकमेंडेशन जी काउंसिल को शायद अपकमिंग जो जी मीटिंग है उससे पहले दे दी जाए लेकिन कुछ का ये कहना था कि तीनो इन तीनों ही चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो बैटिंग हो कसिनो हॉर्स रेसिंग हो इन सब पर यूनिफॉर्म टैक्स लगाया जाए कुछ का कहना था कि तीनों ही सेक्टर जो है वो डिफरेंट है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं कसिनो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं ऑनलाइन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं हॉर्स रेसिंग इज इंडायरेक्टली डिफरेंट तो इन पर डिफरेंट डिफरेंट जी लगाया जाए एज ऑफ नाउ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर has सजेस्टेड 28 एट परसेंट रेट फॉर दीस ऑल दीस थ्री सेक्टर्स अब यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है डेफिनेटली इन तीनों ही सेक्टर्स में तो इसको इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन तीनों में अलग अलग तरीके से जी एस टी लगाई जाए तो जो नेक्स्ट मीटिंग मदुरई में शेड्यूल है इस मंथ में उसमें प्रॉब्बली जी एस टी काउंसिल इस बार डिसीजन ले ले कि ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग कसिनो हॉर्स रेसिंग इन सब पर कैस कितना जी लगाया जाएगा हालांकि मीटिंग की डेट फाइनलाइज नहीं है लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी रिकमेंडेशन थी वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज है लास्ट मीटिंग में डिसीजन नहीं हो पाया था लेकिन प्रॉब्ली इस मीटिंग में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हॉर्स रेसिंग कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स वेटिंग प्लेटफॉर्म जो तीन सेक्टर्स हैं इन पर कितना जी लगेगा ये शायद डिसीजन इस पर्टिकुलर मीटिंग में हो जाए तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि तीनों ही सेक्टर को सेपरेटली या सेपरेट स्लैब्स में रखा जा सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं या कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गैंबलिंग और कैसीनो ये लीगल है अब देख लेते हैं समादर न्यूज़ क्लिप्स डीमैट अकाउंट्स सरपास 100 मिलियन फॉर फर्स्ट टाइम पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक पेक्यूलियर सा ट्रेंड देखने को मिला कैसा पेक्यूलियर सा ट्रेंड रिटेल पार्टिसिपेशन जो था पैंडमिक के ड्यूरेशन में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इवन कंपनीज़ को भी रियलाइज़ हुआ पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कि आईपीओ लाने में या फंड रेजिंग करने में किसी भी तरह की फ़ंड रेजिंग करने में जो रिटेल पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं चाहे वो फ़ंड रेजिंग की एक्सरसाइज हो चाहे वो बैंकस में डिपॉजिट्स हो तो इन दोनों ही केसेज में बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हुई और पैंडेमिक के बाद एक, एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला तभी हमने देखा भी होगा कि आई पी ओ सडनली पैंडमिक के ड्यूरेशन में एक आई थे उनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर में हमें आईपीओ में इंक्रीज देखने को मिला इसका रीजन भी यह था कि जान चुकी थी कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है जिस तरीके से इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम इंपैक्ट कर रही है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में दे विल सर्च फॉर अदर ऑप्शंस ऑफ इनकम और आईपीओ और जो बॉन्ड्स हैं और इस तरह की जो मार्केट्स हैं शेयर मार्केट्स दे आर एक्चुअली प्रेफरेबल मोड फॉर अर्निंग इनकम्स तो उसी ड्यूरेशन में रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था और अगर हम बात करें अभी कंट्री का डी अकाउंट की डी अकाउंट हम सभी जानते हैं क्या होता है जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करी जाती है उसके लिए आपको डी अकाउंट होना ज़रूरी है तो डी अकाउंट की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली पहली बार इंडिया में इस मार्क पर डी अकाउंट क्लोजिंग ओपनिंग पहुंची है पहली बार डी अकाउंट जो है वो हंड्रेड मिलियन का मार्क क्रॉस किया इट मींस द कंट्रीज डी अकाउंट टैली ऑफ द हंड्रेड मिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट टू मिलियन टू पॉइंट टू मिलियन नए डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं लास्ट चार महीनों में लास्ट फोर मंथ्स में दो दशमलव दो मिलियन नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं जिसके बाद ओवरऑल क्यूमुलेटिव फिगर है वो अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड पॉइंट फाइव मिलियन तक पहुंच चुका है एज पर द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज सीएसडीएल डेटा और अगर प्री पैंडेमिक की बात करें प्री पैंडेमिक में यही जो नंबर था वो केवल केवल चालीस दशमलव नौ था यानी प्री पैंडेमिक 2020 में केवल केवल चालीस दशमलव नौ मिलियन ही डीमेट अकाउंट्स थे इंडिया में जो कि पैंडमिक खत्म होते होते सौ दशमलव पाँच तक पहुंच गए हैं दैट सम वे आर इंडिकेटिंग दैट नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स आर मोर पार्टिसिपेटिंग इन दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और नाउ वॉन्ट्स टू मोर पार्टिसिपेट इन दीज टाइप्स ऑफ फाइनेशियल मार्केट फॉर सेकेंड अर्निंग एंड दिस इज द न्यू माइल स्टोन इन केस ऑफ डीमेट अकाउंट्स इन इंडिया तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का डेटा दिया हुआ यू कैन इंक्रीज देखने को हमें मिला है पिछले दो सालों में ओनिंग टू द पैंडमिक पैंडेमिक इसका एक रीजन रहा अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप एच एच एल एल एन टी बैक्स रुपीज एट सिक्सटी करोड़ इसरो कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइव पी एस एलवीज तो एच एल और एलएनटी ने एक कॉन्सोशियम बनाया उस कॉन्सोशियम को अप्रॉक्सीमेटली आठ सौ साठ करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किस से मिला है इसरो से वॉट इज इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस लिए मिला है पी एस एल वी बनाने के लिए वॉट इज पी एस एल वी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो इन दोनों ही कम डेफिनेटली पाँच पी भी बनाना किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं थी इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसके लिए दो कंपनी एच और एल साथ आई से आता है उन्होंने कंसोशियम फाइल किया और कंसोशियम के बाद उन्हें आठ करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है वो स्पेस एजेंसी ने अलॉट कर दिया है और अगर पी की बात करें तो ओवर द ईयर्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क हॉर्स है जिसको हम पी बोलते हैं उसने अप्रॉक्सीमेटली बावन सक्सेसफुल फ्लाइट्स रन करी हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस किया है तो पांच पी और नए बनाने जा रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब देख लेते हैं नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट अलाउज अडानी पोर्ट टू टेक पार्ट इन फ्यूचर टेंडर्स एक केस की वजह से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ए पी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ए पी एस सी जेड को सेंकशन फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ़ द नंबर ऑफ डिसकॉलीफिकेशन जिसके बाद से अडानी पोर्ट्स अब जो बिग डेवलपर्स हैं इनको पब्लिक के जो जिससे गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना अलाउ नहीं था जो भी पब्लिक बॉडीज़ के थ्रू जो भी पोर्ट्स डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स फ्लोट हो रहे थे जो टेंडर फ्लोट हो रहे थे उन टेंडर्स में ए पी एस सी जेड को पार्टिसिपेट करने से डिसक्वालीफाई कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को अडानी पोर्ट्स के फेवर में जजमेंट सुनाया और अडानी पोर्ट्स को अलाउ कर दिया कि वो किसी भी तरह की पब्लिक बॉडीज़ के जो टेंडर फ्लोट हो रहे हैं पोर्ट डेवलपमेंट को लेकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बेंच ऑफ जस्टिस एम आर शाह एंड कृष्ण मुरारी सेट द आंध्र प्रदेश कोर्ट ऑर्डर दैट अपहेल द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड विशाखापत्नम पोर्ट ट्रस्ट वुड नॉट डेटर द अडानी पोर्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फ्यूचर टेंडरिंग प्रोसेस तो फिलहाल के लिए अडानी पोर्ट को जो सेंक्शन लगे थे उससे अब वो बाहर आ चुके हैं सो प्रॉबली आगे आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा टेंडरिंग देखने को मिलेगी अडानी पोर्ट्स के थ्रू या और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा या हो सकता है उन्हें प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएँ आप देख लेते हैं नेक्स्ट डिप हसीना में सीक इकोनॉमिक सपोर्ट ड्यूरिंग फोर डे विजिट्स और तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चार दिन के इंडियन विजिट पर हैं जहां पर उन्होंने जो इंडिया के काउंटर पार्ट मिनिस्टर्स हैं उनसे डिस्कशन किया उनसे मीटिंग करी जहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के जो टारगेट्स हैं कि बांग्लादेश ने टारगेट रखा है दो तक जो बांग्लादेश है वो मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएगा जैसे कि इंडिया ने रखा है दो का टारगेट इसी तरह से बांग्लादेश ने भी अपने लिए रखा है और इस टारगेट को डिस्कस करते हुए बांग्लादेश ने इंडिया से हाई इकोनॉमिक सपोर्ट और कोलैबोरेशन की डिमांड करी है आगे आने वाले कई सालों तक तो स्पेशली ऐसे सेगमेंट जहां पर दोनों ही कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे सेगमेंट में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर हसी मिसेस हसीना उन्होंने इंडिया से डिमांड करी है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे और जैसा यू कैन क्राइसिस के बाद जो फूड प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस में जो क्राइ इंक्रीज या क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसमें दोनों ही देश मिल करके कोलाबरेट करके इस सिचुएशन से ओवर के दिचुएशन टर् डायर एनअ फॉर डाका टू सिक अप्रॉक्सीमेटली डॉलर फोर पॉइंट फाइव बिलियन लोन्स फ्रॉम आई एम एफ बांग्लादेश ने आईएमएफ से अप्रॉक्सीमेटली डॉलर फोर पॉइंट फाइव बिलियन का लोन लिया था लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ़ दिस इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस ओनिंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इसी ड्यूरेशन में इंडिया ने जो बांग्लादेश ने इंडिया से भी हेल्प मांगी है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ मिल के उसको इकोनॉमिक अस्टेंट प्रोवाइड करके काम करें तो पाँच दिन जो चार दिन के जो विजिट प्लान है इसमें प्रॉब्बली जो हम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वो और भी ज़्यादा मीटिंग कर सकती हैं लास्ट जब जो एक प्रॉबल एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिसीजन हुए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप इंडिया सीक्स टू एक्सपेंड ऑयल फ्रोन सो इंडियन ऑफिशियल्स विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग कंट्रीज़ फुटप्रिंट्स इन ऑयल रिच साइबेरिया रशिया से जिस तरीके से रिसेंटली इंडिया का ट्रेड इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर बाय रशियन कंपनीज उसको देखते हुए अब इंडिया जो है वो अपने जो फुटप्रिंट्स हैं ऑयल साइबेरिया वहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है तो अपने ऑयल और एनर्जी सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हो रही है उसमें इंडिया ने साइबेरिया में एक्सप्लोरेशन जॉइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन और कॉपोरेशन को लेकर के अपना इंटेंशन प्रेजेंट किया है इसके अलावा गैस फील्ड को लेकर के भी जो इंडियन कंपनीज उन्होंने अपना इंटेंशन प्रेजेंट किया है इस मीटिंग में दैट दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन टू ज्वाइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन इन श्योर ऑयल एंड गैस फील्ड इन वेस्टर्न कंपनीज स्पेशली इन साइबेरिया सो लेटस सी ये जो डिस्कशन है इंडिया रशिया के बीच में कितना एक्चुअली में टर्न अप होता है सो देट इज ऑल फूल टूडेड स्टूडेंट्स इफ वॉन्ट लाइक जी पीडियम यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑलसो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इफ यू लाइक द इनिएटिव प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड इफ यू वेरी क्वेरी आंसर जैसे यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैवे अइस डे